नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जमात उलेमा अहिंद को लेकर हुई बैठक। शिकारपुर बाईपास निकट ख्वाजा लाल बन्नी कब्रस्तान के बराबर में यूनिक मैरिज होम में की गई बैठक। मुख्य अतिथि के तौर पर रहे शहर काजी मौलाना जैनुल अबदी। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से हापुड़ हलचल आपको दिखा रहा है, जहां पर शिकारपुर बाईपास निकट ख्वाजा लाल बन्नी कब्रस्तान के बराबर में यूनिक मैरिज होम में एक बैठक की गई। ये बैठक जमात उलेमा अहिंद को लेकर हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर रहे इसमें शहर काजी मौलाना जैनुल अबदी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां बुलंदशहर में जमात उलेमा अहिंद को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। ये इजलास जो हमने किया है, ये हमारे जिला जमीयत उलमा की जो मुंतजिमा यानी जनरल बॉडी होती है, उसकी तरफ से इजलास किया गया है। और दिल्ली के अंदर जो जमीयत उलमा हिंद का 34वां इजलास होने जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए इजलास किया गया है। जो 12 फरवरी में रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर प्रोग्राम मुनक़िद होने वाला है जमीयत उलमा हिंद का, तो उसकी तैयारी के लिए हम मीटिंग की गई है। वहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, कुछ मुतालबात हैं हुकूमत से भी, कुछ आपस में भी जो है, हमें मुल्क की सलामती के लिए, इतिहाद के लिए, एकजहती के लिए, अखंडता के लिए, आपस में प्यार बांटने के लिए, मुनाफरत ख़त्म करने के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। तो उस सिलसिले की तैयारी के लिए यहाँ सब उलमा किराम जमीयत उलमा ज़िला बुलंदशहर के लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके कार्यकारिणी सदस्य हैं, मुंतजिमा के लोग हैं, वो सब इकट्ठा हुए। इजलास हो रहा है। जमीयत उलमा 1919 में कायम हुई थी और उस वक्त से बराबर मुल्क की खिदमत, कौम की खिदमत कर रही है, तो उसके गाहगावा प्रोग्राम होते रहे हैं। अब उसका 34वां ये इजलास है, जबकि कुछ मुल्क के अंदर कुछ हालात होते हैं तो उसके खिलाफ बिना किसी मज़हब के, कि ये किस मज़हब का आदमी है, उसकी मदद, उसकी नुसरत और उसका जिस कदर भी तावन हो सकता है, इसके लिए जमीयत अपना काम करती है। उसकी ये उसकी कुर्बानियों को और अपने काम को बताने के लिए और जो हालात आए हैं उस पर आवाज़ उठाने के लिए प्रोग्राम होते रहे, इसी नस्बत से अभी ये प्रोग्राम हो। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।